कोलकाता डॉक्टर रेप एंड मर्डर के विरोध में पूर्व क्रिकेटर सौरभ गांगुली आज करेंगे विरोध प्रदर्शन। सौरभ गांगुली की पत्नी डोना भी प्रदर्शन में शामिल होंगी। सौरभ गांगुली दोपहर 3 बजे ईडन गार्डन्स के पास और शाम को 7 बजे करेंगे घर के बाहर प्रदर्शन। महिला डॉक्टर के लिए इंसाफ की मांग करेंगे। बीजेपी आज कोलकाता के श्याम बाजार में करेगी विरोध प्रदर्शन। कोलकाता हाईकोर्ट ने बीजेपी को अधिकतम 300 लोगों के साथ श्याम बाजार में धरना देने की इजाजत दी है। कोलकाता हाईकोर्ट ने बीजेपी को 21 अगस्त से 25 अगस्त तक 5 दिन का धरना देने की इजाजत दी है। सुबह 11 बजे से रात को 9 बजे तक श्याम बाजार मेट्रो स्टेशन के पास धरना देने की परमिशन है। कोलकाता के सभी 6 मेडिकल कॉलेज के छात्र और डॉक्टर आज करेंगे प्रदर्शन। सुबह 11 बजे स्वास्थ्य भवन CGO कॉम्प्लेक्स से आरजीकर मेडिकल कॉलेज तक निकालेंगे रैली। कोलकाता पुलिस ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को लाल बाजार थाने में हाजिर होने का नोटिस जारी किया है। रेप पीड़िता की पहचान जाहिर करने के मामले में नोटिस है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक्शन में कोलकाता पुलिस। लापरवाही के आरोप में 2 असिस्टेंट कमिश्नर और 1 इंस्पेक्टर सस्पेंड। तीनों के खिलाफ होगी विभागीय जांच। रेप एंड मर्डर केस में कोलकाता पुलिस के SI को समन। आरोपी संजय का है करीबी SI। दौड़ते दौड़ते CBI दफ्तर पहुंचा। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप और मर्डर के मामले में जांच में एक्शन में CBI की टीम। देर रात मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों से पूछताछ। कोलकाता रेप कांड में सुप्रीम कोर्ट सख्त पूछा, FIR दर्ज करने में देरी क्यों हुई और 22 अगस्त तक CBI से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर टास्क फोर्स का गठन किया है। कहा कि हम ऐसी एक और घटना का इंतजार नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स को सुरक्षा का दिया भरोसा, चिंता ना करें, पूरे देश का हेल्थ केयर सिस्टम आपके हाथ में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर की सुरक्षा पर राजनीति ना हो। पूछा, 7,000 लोग लाठी डंडों के साथ अस्पताल में कैसे घुसे। बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। कहा कि डॉक्टर्स पर अपनी ताकत ना दिखाएं, डॉक्टर्स को सुरक्षा ना मिलना सिस्टम की कमी। शुभेंदु अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। कहा कि प्रदर्शनकारियों पर हमला करने वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बंगाल के गवर्नर ने पीड़ित माता पिता से बात की, न्याय दिलाने का भरोसा दिया। RML के रेसिडेंट डॉक्टर्स ने खत्म की हड़ताल, मांगे स्वीकार करने के बाद फैसला। पटना में PMCH के जूनियर डॉक्टर्स ने PMCH से करगिल चौक तक किया मार्च। हाथों में पोस्टर लेकर सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने की मांग की। कोलकाता रेप एंड मर्डर के मामले में पुणे के कई गणपति मंडल के लोगों ने प्रदर्शन किया, दोषियों को फांसी देने की मांग की। सिलीगुड़ी में भारी संख्या में सड़कों पर उतरे लोग। डॉक्टर रेप और मर्डर केस में आरोपियों को सजा